जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम दिल्ली में स्थित एक और फेमस टूरिज्म प्लेस को देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया गेट, जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लोकेशन। ये नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है और यहीं पर UPSC जो कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी इसी के पास में स्थित है। तो अब बात करते हैं कि ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। तो अभी हम बाहर थे, अब यहाँ से एंट्रेंस से हम अभी अभी अंदर प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले यही व्यू दिखाया जाता है, उसके थोड़ा सा अंदर जाते ही आपको ये फूल उल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आप वीडियो देखें, इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। इसको 1921 में बनाया गया था, आई थिंक 1921 और 1931, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लें। उस टाइम पे इसे बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, इसमें लगभग 84,000 शहीदों के इंडिया गेट पर नाम दर्ज हैं। उन शहीदों के जो या तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, जो भारतीय थे, और कुछ ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिनका देहांत हो गया था, और इसके अतिरिक्त जो अफगान एंग्लो फ्रेंच सॉरी जो अफगान वॉर था उसमें भी जो लोग शहीद हुए थे, लगभग 13,300 लोग उसमें भी शहीद हुए थे, उन सभी के नाम इंडिया गेट पर दर्ज हैं। तो ये आप इसका क्लोजर लुक देख सकते हैं। और ये बेसिकली 1914 से 1921 के बीच में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम इस गेट पर पूरे तरीके से दर्ज हैं। यह लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और यह दिल्ली के राजपथ, नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर घूमने का कोई भी टिकट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। तो आप जाकर सीधा अपनी गाड़ी बाइक जो भी आप ले जाना चाहें उसको पार्क करके सीधा आप अंदर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये क्लोज़र लुक है, बिल्कुल पास से लिया गया है और यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश करी है ताकि आप आसानी से इसको देखकर समझ सकें कि इसको किस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं, जहाँ पर आप इंडिया गेट से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर स्टैचू बनी हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू थी। तो ये आप एक बार पूरा घूम कर देख लें, ये यहाँ पर इंडिया गेट है, इसके जस्ट पीछे बनी हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू, ये देखिए। और ये लाल किला का पूरा लोकेशन दिया गया है, यहीं पे उपलब्ध हैं सभी। ये इंडिया गेट परिसर आप देख सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। ये इसी का फोटोग्राफ्स लगे हुए थे जो यहाँ पर दिखाए गए थे। ये फोटोग्राफ्स अंदर ही लगे हुए हैं और ये अंदर से ही खींचे